क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द इवेल्युएसन ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पॉइंट फोर एक्स मॉट एक्स बाय यूजिंग सिम्सन वन थर्ड रोल विथ स्टेप साइज पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स ओके दोस्तों तो इस क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन दिया है उसको सिमसन वन थर्ड रूल यूज करके सॉल्व करना है अब कैसे यूज करते हैं आइए आपको हम सिखाते हैं तो ये पॉइंट सिक्स जो है कुछ ऐसा ही काम कर रहा है जैसे तीर धनुष में डाल के वार करते हैं किसी इनेमी पे तो ये तीर है ये तीर इस धनुष में डलाएगा वार हुआ फिर से डला फिर वार हुआ फिर से डलाएगा फिर वार हुआ फिर से डलाएगा फिर वार होगा अब हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर ऑफ तीर इतना है तो नंबर ऑफ़ तीर पता करने के लिए यहाँ से पता चल जाएगा माइनस वन टू लिमिट है वन पॉइंट फोर तो नंबर ऑफ तीर पता करने के लिए वन पॉइंट फोर माइनस माइनस वन डिवाइड बाई जितना साइज का तीर है पॉइंट सिक्स एम का है यानी ये पता कर दिया कि फोर हमारे पास तीर है तो फोर वार ही फोर बार ही वार करेंगे ओके आइए कैसे वार करेंगे देखते हैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स मॉड एक्स ठीक है माइनस वन जो है तीर है माइनस वन से चलाना स्टार्ट किए नंबरिंग होता है ना जैसे वन टू थ्री ऐसे तो माइनस वन से चलाए तो हमें क्या रिजल्ट मिला माइनस वन ही नेक्स्ट तीर चला माइनस वन प्लस पॉइंट सिक्स यानी माइनस पॉइंट फोर नंबर वाला तीर चला तो माइनस पॉइंट फोर नंबर वाला तेज चलेगा तो रिजल्ट क्या मिला माइनस पॉइंट वन सिक्स फिर नेक्स्ट चलेगा पॉइंट जीरो टू एड करते जाइए दोस्तों आपको मिलता जाएगा वैल्यू तो पॉइंट जीरो फोर फिर पॉइंट एट पॉइंट सिक्स फोर फिर वन पॉइंट फोर पॉइंट वन पॉइंट नाइन सिक्स अब जब हम सिम सिंप, सिमसन वन थर्ड रूर रीड किए थे तो हम ऐसा कुछ पढ़े थे अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि कन्फ्यूजन हो गया एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो गया कि टू को कहाँ रखे फोर को कहाँ रखे आइए आपको कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कन्फ्यूजन नहीं रखना है जो दो से स्टार्ट हो रहा है इतना तो आपको होना चाहिए कि दो से एक नंबर स्टार्ट होगा एक रिमेनिंग वाला होगा ठीक है जो दो से स्टार्ट हो रहा है उसे दो से मल्टीप्लाई कर दिए उसमें रखेंगे ईवेन नंबर ऑफ टर्म टू रखे फोर रखे सिक्स रखेंगे एट रखेंगे ठीक है रिमेनिंग टर्म में फोर से मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट प्लस लास्ट फर्स्ट टर्म में रख देंगे ठीक है जब इसमें फार्मूले को पुट किए जब इस फार्मूले में वैल्यू को पुट किए तो हमारा आंसर आ गया पॉइंट नाइन फाइव टू यह हम पा गए आंसर और दो नंबर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यह वेक्टर का सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ वेक्टर आइए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं अब वेक्टर ये वेक्टर है फील्ड इज डिफाइंड एज अक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू आई कैप वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू जे वेक्टर प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू के वेक्टर यह अब हमें क्या गिबेन है इसको इलेबोरेट किया है देखिए वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर एलोंग एक्सिस राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस इवेलुएटेड ओवर इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ एस्फेरिकल सेल फॉर्म बाई टू कंसेंट्रिक एक्सपेयर विथ ऑरिजिन एज द सेंटर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाया वन एंड टू रिस्पेक्टिवली अब क्वेश्चन रीड किए तो एक बात तो बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल बताओ सरफेस इंटीग्रल बताओ तो आइए कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन का पहले जुगाड़ ढूंढ रहे हैं आप जब वेक्टर कहीं पे भी पढ़े होंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में तो आपको एक बात तो पढ़ाया गया होगा कि कभी भी वेक्टर आता है तो आर वेक्टर अगर नहीं है तो लिख लीजिए है तो अच्छी बात है तो आर वेक्टर एक्स आई के सॉरी एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर ठीक है अब आपको यहाँ पे यहाँ पे ये पता चल गया तो ये पता चल गया तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जब ये पता चल गया तो आप गए फंक्शन में अब फंक्शन में गए तो आर स्क्वायर को पुट कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के प्लेस पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पर आइए क्या बनता है देखते हैं अब जो हमारा टर्म बनेगा एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर से स्कौर, आ, वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब आई वेक्टर फिर वाई डिवाइड बाय आर क्यूब जे भेक्टर जेड डिवाइड बाय आर क्यूब के वेक्टर अगर आप भेक्टर में बहुत अच्छे से रीड किए हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट स्ट्राइक हुआ आइए कैसे स्ट्राइक होगा आपको सिखाते हैं वन बाई आर क्यूब कॉमन कर लिए वन बाई आर क्यूब जब कॉमन कर लेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बचेगा तो आर वेक्टर तो इसको लिख सकते हैं आर के पावर माइनस थ्री आर वेक्टर या अब हमें फाइंड करना है क्या इसी का डाइवरजेंस गॉस डाइवर्जेंस यानी आर के पावर माइनस थ्री आर क्यूब ठीक है ट्रिपल इंटीग्रेशन डी भी ऐसा कुछ फाइन करना है अब ये फाइन करने के लिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो फाइंड नहीं करेगा क्या दिमाग लगाएगा आइए देखते हैं वो कुछ ऐसा पढ़ा होगा वेक्टर में आर के पावर एन है वेक्टर आर है तो जब इसको सॉल्व किया होगा सोलेनोइडल मान के उसका वैल्यू आ गया होगा एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे आ गया आर के पावर माइनस थ्री इन टू आर वेक्टर वो कर देगा कंपेयर अरे भाई मेरा तो माइनस थ्री वहाँ पर आ रहा था यहाँ एन के जगह पे माइनस थ्री पुट कर देंगे अरे वाह नहीं सोलिनोडल लेकिन सोलनो आइडल यहाँ से आ गया तो वो जाएगा और पुट कर देगा यहाँ पे सरफेस नहीं कर एफ डॉट क्या होता है सॉरी डेल डॉट डेल डेल डॉट क्या होगा एफ डी भी अब यहां पे कर देगा ये आ गया जीरो ये आ गया जीरो ये आ गया जीरो तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा जीरो या, हम पा गए आंसर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रैप होने के लिए स्टूडेंट को ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो रहेगा तो ईजी लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर सेक्शन विथ पॉइंट फाइव एम मीटर लेंथ आर मेड ऑफ मटेरियल विथ सीयर स्ट्रेंथ ऑफ ट्वेंटी मेगा पासकल द्क्वेयर बार प्रोसेक्सन डायमेंशन इज फोर बाई फोर सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल बार प्रोसेसन डायमीटर इज फोर सेंटीमीटर दिन आर लोडेज एडिश एज सोनिन फिगर नीचे गिवेन हैच एसपेसमेंट विल फेल ड्यू टू अप्लाइड लोड एज पर मिनिमम शेयर स्टेज थ्योरी अरे वाह सीयर स्ट्रेस थ्योरी को अप्लाई करके आपको एज पर मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी ठीक है आपको चेक करना है कि कौन सा बार फेल हो जाएगा आह आइए देखते हैं इस बार में लोड लग रहा है टेंसाइल टेंसाइल लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन तो हम जानते हैं टाओ मैक्स हम जानते हैं टाओ मैक्स थ्री बाई टू रेक्टेंगुलर के लिए थ्री बाई टू टाओ एवरेज अब जब हम ये जानते हैं तो थ्री बाई टू टाओ एवरेज एट्टी इंटू टेन टू द पावर थ्री डिवाइड बाई एरिया फोर इंटू फोर और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा टेन के पावर माइनस फोर ये पावर ऊपर जाएगा ये पावर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा सेवन सेवेंटी फाइव मेगा पासकल अरे वाह फर्स्ट केस में फेल हो रहा है या अब हमें क्वेश्चन में हो गया क्वेश्चन हो गया सिंपल अब मेरा क्वेश्चन हो गया सिंपल क्यों अगर ये नहीं आता सेकेंड को चेक करते थर्ड को चेक करते फिर मेरा हो गया टाइम टेकिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट नेक्स्ट जो बार है उसका कैसे पता चलेगा तो उसमें कुछ नहीं है यही लोड है बट कंप्रेसिव है आप मैग्नीट्यूड देख लीजिए मैग्नीट्यूड देख लीजिएगा तो आपका टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड वाला फेल कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए अब अब तो हमें चेक करना है अब हमें मान लो कि क्वेश्चन तो ये आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूसरा ही आएगा नेक्स्ट ईयर तो इसको कैसे चेक करेंगे तो टाउ मैक्स होता है सिक्सटीन टी अपॉन पाई डे क्यू सिक्सटीन टी अपॉन पाई डे क्यू जब ये पुट करेंगे तो सिक्सटीन मेगा पास कर या ये भी पता चल गया कि ये सेफ होगा अब पता चल गया ऐसे ही हम चेक कर लेंगे ऐसे ही हम चेक कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा चलिए यहीं पे रखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे और सारे गेट का क्वेश्चन सेशन वन सेशन टू दोनों डिस्कस करेंगे ब्यूटीफुल तरीके से ओके ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ थैंक यू दोस्तों नमस्कार